श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन पर जो भी उतार चढ़ाव आते हैं वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है, और इस वजह से चंद्रमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और इसके अकॉर्डिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है। तो आइए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे हैं। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में सप्तम भाव में रहेंगे। इस दिन स्थिति पूरी तरीके से आपके हक में रहेगी। इस समय में आपको अपने ससुराल पक्ष से विशेषकर लाभ की प्राप्ति होगी। आपके भाग्य में वृद्धि का बहुत बड़ा जरिया आपके ससुराल पक्ष के लोग बन सकते हैं। इस समय में स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ होगा। जीवन साथी से विशेष सपोर्ट इस वक्त आपको मिल रहा है। इस समय में साझेदारी के काम से आपको विशेष लाभ होने वाला है, यानी बिजनेस पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी। इस समय में मैरिड लाइफ में मधुरता आएगी। हर प्रकार से पार्टनर्स एक दूसरे को सहयोग करते हुए नजर आएंगे। इस समय में घूमने फिरने का मौका भी आपको जरूर मिलेगा। ये दिन आपके लिए रोमांटिक साबित होने वाला है। अगर स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो इस समय में स्टूडेंट्स को ग्रहों से विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। अगर इस समय में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी तरह की एग्जाम आती है तो उसे आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। अगर आपकी विद्या ग्रहण करने में कुछ रुकावटें आ रही थी तो इस दिन आप एक नई शुरुआत जरूर कर पाओगे। ये समय जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए भी शुभ रहेगा। कर्मचारी, आपके साथ काम करने वाले सहयोगी आपको इस समय में सपोर्ट जरूर करेंगे। आपकी लगन और मेहनत इस समय में लोगों को दिखाई देगी। इस दिन स्थान परिवर्तन के प्रबल योग भी बन रहे हैं। जो लोग घर शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपना काम शिफ्ट करना चाहते हैं उनके लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। इस समय में आपकी इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो इस समय में आपकी सेहत अच्छी रहेगी। स्वस्थ रहोगे, जोश और उत्साह आपके अंदर बना रहेगा। काम करने की गति बढ़ेगी। इस समय में आपको पुरानी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सकता है। इस दिन सफेद रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा, और 6 अंक इस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। इस दिन अगर आप आटा या दूध का दान करते हो तो आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कभी कभी हमारी पर्सनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशिफल परिणाम में बदलाव दिख सकता है। इसलिए राशिफल को एक मार्गदर्शन के तौर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।